देखते हैं, उनको पसंद है हमारा शो, एंड देव कम टू जस्ट हैव अ लुक एट अस, हमारा शूटिंग देखने आए हैं. आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी ब्लेस्ड कि हमारा शो इतनी दूर तक पॉपुलर है, एंड आई होप ऐसा ही चलता रहे और पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा सकती. थैंक यू. अचानक ऐसा क्यों करता है ये हम लोग को अभी पता नहीं. वैसे तो पता है लेकिन हम लोग वो रिवील नहीं करूँगी वो क्यों करता है. लेकिन उसे शादी करके वो ले आया है और हम लोग उससे नाराज़ है. मेरी बेटी रो रही है, कंसोल कर रहे हैं. बहुत हाई ड्रामा है, मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई. कनक का सीन चल रहा है क्या? हाँ नहीं, वो कनक का सीन है. कनक को पता चलता है कि शिवा ने शादी कर ली है, उसी का विलाप और परेशान है क्यों और क्या हुआ है ये सब. आपके रोल के बारे में बताया थोड़ा सा, किस तरह का रिएक्शन था? मेरा रोल जब मैंने ये शो लिया तो बताया गया था कि मुझे एक स्ट्रिक्ट टाइप की लेडी चाहिए जो घर में रूल करती है. कैरेक्टर को हो गया. और शिवा मेरे यहाँ जब ये लोग बचपन में गायब होते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, हमारे यहाँ आ जाते हैं. मेरे हस्बैंड बड़े दयालु स्वभाव होते हैं तो जा रहे होते तो ये दोनों बच्चे जो साल और छह उनको मिलते हैं तो वो उनको घर ले आते हैं. घर ले आते तो मेरे घर में वो लोग नौकर की तरह रहते हैं. मैं मेरी नज़र में वो दोनों वही थी, ये नौकर और नौकरानी की तरह मैं. लेकिन जब ये लोग थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो शिवा के अंदर एक अच्छा संस्कार है जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद आता है. तो उनको मतलब हमेशा लगता है कि शिवा बहुत लायक लड़का है. और वो मेरी और मेरी बेटी जो कनक है उसका बार बार शादी करना चाहते हैं और हर बार बहुत सफल जाते हैं. तो एक ऐसा सिचुएशन आता है कि रतन सिंह जो है शिवा से कहते हैं कि यदि तुमसे मैंने ज़िंदगी भर कुछ नहीं मांगा और आज मैं मांगता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो. तो मैं इसका बहुत विरोध करती हूँ. मैं बहुत हाई ड्रामा और गुस्से वाली हूँ और मैं सबको उतार देती हूँ और उसको मैं लगातार उसको मानने के लिए तैयार. ना मैं मानने के लिए तैयार थी ना मेरी बेटी, लेकिन अभी समय के साथ होते 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 इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो एक अच्छा लड़का है और मेरी बेटी अच्छे से. अब अचानक वो शादी करके आ गया तो हम लोग उसके बहुत देर करते हैं. और मेरा कैरेक्टर तो बस वही है कि तरक्की की पुराइन टाइप की लेडी जो पूरे घर को संभालती है, उस वक्त में रूल रेगुलेशन नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं है मतलब. हो गया ना सर रोल के लिए? कनक के साथ वापसी नहीं हो रहा है इंदर से? ओके अच्छा है, सारे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं. मैं कनक के साथ पहली बार सीन बहुत बड़ा ट्विस्ट है कहानी का अब तक का. सब जानते हैं कि जो इस शो के फैंस हैं सब जानते हैं कि शिवराज और कनक की शादी किस नोट पे हुई थी. बिल्कुल प्यार नहीं था हमारे बीच में, बहुत अनबन थी. पर आज फाइनली कनक को प्यार हो चुका है, मुझे प्यार हो गया है मेरे हस्बैंड से शिवराज से. और मैं उनके लिए सुहाग की सेज सजा रही हूँ. बहुत रोमांटिक सीन्स चल रहे हैं, हम लोग बड़े रोमांटिक मूड में शूट भी कर रहे हैं. बहुत अच्छे अच्छे गाने वाने बजा के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. और ये फैंस के लिए बहुत बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सीक्वेंस होगा देखने के लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस. हाँ वो मुझे प्यार इस चोट की वजह से हुआ है. बेसिकली हुआ ये था कि अभी जो पास्ट एपिसोड्स गए हैं उसमें मैं किडनैप हो जाती हूँ और शिवराज जिस तरह अपनी जान पे खेल के मुझे बचाते हैं, हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं. दोनों बीमार हैं, जंगलों में भटके हुए हैं, पर हम दोनों एक दूसरे का बहुत साथ दिया. पर शिवा क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा मुझसे कभी भी खफा थे पुरानी बातों को लेकर, जायज़ भी था. अब मैंने सोचा कि जिस तरह से इस इंसान ने मुझे बचाया है, हमेशा मेरा साथ दिया है, वही इंसान अब मेरा जो लाइफ पार्टनर है उसे वो मेरा लवर भी होगा, मेरा प्यार भी होगा. तो मैंने शिवा को प्रपोज करने का पूरा प्लान बना लिया है और उसी की तैयारी में हूँ. जी सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी सभी को कि हमारे फैंस को. हमारा शो बहुत अच्छा जा रहा है, हमारा शो
अब तो इंटरनेशनली भी लोग देख रहे हैं, अमेरिका से फैंस आ रहे हैं हमारे शो के लिए, आज सेट पर भी आ रहे हैं मिलने के लिए हम लोगों से, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इस शो में, इतनी सारी कहानियाँ हैं इस शो में, एक 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 ही शो में आपको कई सारे शेड्स देखने मिलते हैं, कई सारी कहानियाँ आपस में जो इंटरलिंक्ड हैं वो देखने को मिलती हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा शो, तो यस उसकी वजह से वो पॉपुलर भी हो रहा है और आज फैंस आ रहे हैं अमेरिका से, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत बहुत इन्जॉय कर रही हो, दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स दैट हैव प्लेड ऑन टेलीविजन, वन ऑफ द बेस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना कनक जैसे, जिनमें कई कई सारे वेरिएशन आते हैं, गुस्सा, एंगर, नफरत, सॉफ्टनेस, रोना, प्यार, अच्छाई, बुराई, जो सब होता है, जो एक एक आम इंसान की जो एक रियल लाइफ कैरेक्टर होता है ना, कनक काफ़ी रियल लाइफ कैरेक्टर है, ओके, शी इज़ नॉट समबडी जो बिल्कुल एक अंधाधुन में चलती है, सिर्फ नफरत है तो सिर्फ नफरत है, सिर्फ प्यार है तो प्यार है, या अच्छाई कर रही है तो किसी के लिए अच्छाई करती जाएगी, नहीं, वो बैलेंस रखती है, जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा, जिसने बुरा किया उसके साथ और भी बुरा, सो या ये कैरेक्टर इन्जॉय करती हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, और अब जो भी प्यार वाला मोड आया है आई एम वेरी हैप्पी, रो रो के थक गई थी मैं। अरे ओके, देखिए सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है जब भी लोग आपके शो को या आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है डेफिनेटली, और हम लोगों का जो शो है वो एक ऐसा शो है जिसमें सब कुछ है, यानी कि आपको यहाँ प्यार भी मिलेगा, एक भाई बहन का प्यार है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी असल ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, सो उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। मेरा कैरेक्टर है समर, समर है जो कि जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, जो चकोरी गैंग है, यानी चकोरी है, मूंग सिंह है, समर सिंह है, ये पूरा परिवार है, और इसमें ज़्यादातर सभी लोग एक तरह से नेगेटिव हैं, जो जो रसाल है, शिव है, इनको परेशान करते रहते हैं, तो जो समर है उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, ये बताना चाहूँगा। गर्लफ्रेंड जो है, एक्स गर्लफ्रेंड, वो घर में आ चुकी है, तो अभी उसी को लेके जो भी है सारे क्लेश बोलते हैं ना हम लोग, कि क्लेश हो रहे हैं, तो हम लोग क्या है उसको घर से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो टिकी हुई है कि घर में कि मैं समर को पा गया हूँ, लेकिन अभी अमेरिका और शुभ इनके बीच में क्या होने वाला है, ग्रेट ट्विस्ट है। और कितना एंजॉय कर रहे हैं, इतने साल हो गए शो को और लोग इतना पसंद कर रहे हैं, नंबर वन शो है। मैं बिल्कुल वही थैंक्स कहना चाहूँगा, बिकॉज हम लोगों ने 150 एपिसोड कम्प्लीट किए हैं, और मैं तो फर्स्ट एपिसोड से कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे को एक ऐसा कैरेक्टर मिला है करने के लिए जो मुझे पहचान दे रहा है, मूंग सिंह, जो हम लोग शुरू से मेरे दूल्हा दुल्हन थे, हम लोगों ने शिवा के फादर को मार के कब्जा कर लिया है, और हमारे जो है हमारा दिमाग जो है पूरा पाती है, तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हैं कि कैसे इन लोगों को हम लोग घर से भगाएं, ताकि पूरी फिल्म पर हम लोग कब्जा कर लें, और ऑडियंस जो है हमारा कैरेक्टर बहुत पसंद कर रही है, बिकॉज मेरे कैरेक्टर में बहुत सारे वेरिएशन है, कॉमेडी भी है, नेगेटिव भी है, सीरियस भी है, तो ऑडियंस को देखने में मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैम सबसे पहले बताइए कि क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं आज का जो हमने देखा ऑन लोकेशन, थोड़ा सा उस बारे में बताइए हमारी ऑडियंस। और इसके अलावा इतने सारे
एपिसोड्स हो गए, 150 एपिसोड्स हो गए, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, दंगल टीवी पे नंबर वन शो है, क्या क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, और थोड़ा सा बताइए मेमोरीज के बारे में जब आपने स्टार्ट किया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल, और अभी ही हमारे पास कुछ लोग आए हैं यूएस से मिलने के लिए, हमारे टीम से कास्ट में, वेरी हैप्पी कि सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में आउट ऑफ इंडिया पीपल आर वॉचिंग आवर शो एंड दे आर लविंग इट। इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग फॉर मी एज अ न्यू कमर, मैं वेरी फर्स्ट शो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरी जर्नी शो के साथ में आप लोगों के साथ भी कि फर्स्ट शो है, तो हाँ मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बहुत मेहनत कर रही हूँ, उसके बाद जो